अक्वाम मुतहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी आयद। इसराइल ने अक्वाम मुतहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुल्क के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा इसराइल काट्स ने अपने एक बयान में कहा है कि अक्वाम मुतहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर इसीलिए पाबंदी आयद की जा रही है क्योंकि उन्होंने ईरान के मिज़ाइल हमलों की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत नहीं की। वाज़ेह है कि अक्वाम मुतहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गुज़श्ता रोज ईरान के हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े और कशीदगी मजीद फैलने के इम्कान को जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की और एक बार फिर फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया था। मंगल को ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक पोस्ट में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था कि मशरिक़ वुस्ता की जंग मजीद नहीं फैलनी चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने भी ईरान के मिसाइल हमलों पर अक़्वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के मजम्मती बयान पर कड़ी तनकीद की है और इनके इस्तीफे का मुतालबा किया है।